नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा मल्टीमीटर के बारे में। आज हम बताएंगे कि मल्टीमीटर के कौन से फंक्शन ज़्यादा यूज होते हैं और उनका कैसे हमें प्रयोग करना चाहिए, कैसे हमें उनको यूज़ में लाना चाहिए। तो हमने उसका कुछ यहाँ पर समझाया है। यहाँ पर मल्टीमीटर के फंक्शन के बारे में हम समझाएंगे। तो हम ये देखते हैं कि मल्टीमीटर में मोस्टली यूज़ होने वाले जो पोर्ट्स हैं वो कौन से पोर्ट हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें ज़्यादातर काम में क्या लाता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, उसमें ज़्यादातर काम में मल्टीमीटर के कौन से फंक्शन आते हैं, वो ये हैं कि सबसे पहले तो ये हो गया कि हम कंटिन्यूटी ज़्यादा चेक करते हैं किसी चीज़ को। कोई केबल ब्रेक हो गया, कोई वायर ब्रेक हो गया, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, उसको हम कंटिन्यूटी से चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी इस तरह से, इसमें एक फंक्शन इसका ज़्यादा यूज होने वाला हो गया कंटिन्यूटी। किसी चीज़ की हम चाहे कोई कॉइल चेक करनी हो, चाहे कोई वायर चेक करनी हो, तो उसके लिए हम कंटिन्यूटी यूज़ करते हैं। नंबर दो, हम एसी वोल्टेज मोस्टली यूज होने वाला पोर्ट है। एसी वोल्टेज सभी को चेक करनी होती है, तो एसी वोल्टेज उसके पोर्ट में चेक होती है। और नंबर तीन, डीसी वोल्टेज। तो एसी वोल्टेज अगर चेक होगी तो डीसी वोल्टेज भी चेक होगी, तो डीसी वोल्टेज का फंक्शन भी इसमें रहता है। तो हम मल्टीमीटर से डीसी वोल्टेज भी चेक करते हैं। और नंबर चार ही होगा कि हम उससे रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर, डायोड्स, ये सब भी हम उससे चेक कर लेते हैं। और नंबर पाँच, ये जो क्लैंप मीटर, यहाँ तक तो मल्टीमीटर में फंक्शन रहता है, लेकिन क्लैंप मीटर में इसके अलावा भी फंक्शन रहता है, वो होता है एम्पियर चेक करने का। क्लैंप मीटर में एम्पियर भी चेक होता है। तो मोस्टली हमें यही सारे फंक्शन की हमें ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा डीपली हमें उसमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है, इन सब चीज़ों से ही हमारा काम हो जाता है। तो अब हम उसको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह के यहाँ पे हमारे पास में मल्टीमीटर यूज में आते हैं। तो वो बहुत तरीके के हो सकते हैं मल्टीमीटर, अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो लेकिन हमें उसमें जो है ना, हमारा जो उसे काम है वो सभी में सेम रहता है। हमें वोल्टेज, एसी वोल्टेज चेक करने हैं, डीसी वोल्टेज चेक करने हैं, एम्पियर चेक करने हैं, रेजिस्टेंस, डायोड, ये सब कैपेसिटर चेक करने हैं। तो वर्किंग सभी का सेम रहता है, किसी की कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, किसी की ज़्यादा कम रहती है। कोई ऐसा है कि 600 वोल्टेज तक चेक करेगा वोल्ट, कोई 750 तक चेक करेगा, कोई 1000 वोल्ट तक चेक करेगा। तो इस तरह डिफरेंट तरह के मल्टीमीटर हो सकते हैं। कुछ मल्टीमीटर हम दिखाना चाहेंगे। तो दोस्तों, मल्टीमीटर ऐसा भी हो सकता है, और भी तरीके के मल्टीमीटर हो सकते हैं। तो इन सारे मल्टीमीटर का फंक्शन हम एक बार प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे, उसके बारे में हम उसमें एसी वोल्टेज दे के भी दिखाएंगे, कंटिन्यूटी चेक करके दिखाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कुछ हमारे पास में ये मल्टीमीटर्स हैं जिनके बारे में अभी हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले जो यूज़ किया करते थे, अभी भी यूज़ करते हैं कुछ जगह पे, तो ये वाला मल्टीमीटर पहले यूज़ किया जाता था। तो इसमें अलग तरीके के फंक्शन थोड़ा इसलिए देखें क्योंकि ये डिजिटल नहीं है, ये सुई वाला मल्टीमीटर है। तो इसमें हम इसकी पॉलीथीन थोड़ा उतार देते हैं, ये थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरीके का मल्टीमीटर हो गया। तो इसमें सभी में जो है ना फंक्शन सेम ही रहते हैं, तो कुछ देखने का व्यू, देखने का एंगल थोड़ा चेंज हो जाता है। देखो, इसमें ये कॉमन पोर्ट है इसका, यहाँ पे कॉमन पोर्ट जो ब्लैक सुई है वो यहाँ पे लगेगी, और बाकी यहाँ पे कंटिन्यूटी और ये रेजिस्टेंस चेक होगी, और इसमें यहाँ पे मिली एम्पियर्स डीसी के चेक होंगे, यहाँ पे ये डीसी की वोल्टेज चेक होंगी, ये पूरी रो डीसी वोल्टेज की है, और ये पूरी रो एसी वोल्टेज की है। तो इसमें 1000 वोल्ट तक का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास में घर में तो 220-250 तक ही वोल्टेज रहती है। तो अभी हम अगर इससे एसी वोल्टेज चेक, हम इससे कंटिन्यूटी चेक करके दिखाते हैं अभी आपको। तो ये इसकी कंटिन्यूटी होगी, एक ब्लैक पोर्ट लग गया है, एक रेड पोर्ट यहाँ पे लग गया है, कॉमन में ब्लैक लगेगा, बाकी हम कंटिन्यूटी में स्टार्टिंग वाला ही पोर्ट लेंगे। तो हम इसको जब टच करेंगे तो ये सुई यहाँ तक ऐसे कंटिन्यूटी देगी हमें, तो यहाँ पे हमें इसकी कंटिन्यूटी का पता लग जाता है। अगर कोई वायर को हमें चेक करना हो तो हम एक वायर को अभी दिखा देते हैं आपको। तो दोस्तों, ये कोई वायर हमारे पास में है जिसकी लेंथ काफ़ी है, तो हम ये देखेंगे कि इसके दोनों को हम सिरों को आपस में लूप कर देते हैं। वैसे अलग अलग वायर को भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको लूप कर देते हैं जिससे लेंथ ज़्यादा हो जाएगी इसकी। तो इसका दूसरे हिस्से हम यहाँ पर ये ले लेते हैं और इस पर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि ये क्या बताता है। तो अगर सुई उठी यहाँ से तो ये सही माना जाएगा, नहीं तो खराब माना जाएगा।
वायर यानी कहीं से ब्रेक है। तो अभी हमने जैसा एक रेड पे रखा और एक ब्लैक पे रखा, तो अभी ये सुई उठ रही है यानी ये ब्रेक नहीं है। अगर हम इसका ये जॉइंट खोल देते हैं तो ये सुई नहीं उठेगी और ये इसको खराब बताएगा। तो अभी हम इसको अगर यहाँ पे लगाते हैं तब ये सुई नहीं उठेगी और ये हमें पता लग जाएगा कि वायर कहीं से ब्रेक है, तो ये अभी नहीं उठ रही है। तो इसी तरह से ये दूसरे मीटर में भी चेक होता है। और अब हम इसको एसी वोल्टेज सेलेक्ट करने के लिए, एसी वोल्टेज को सेलेक्ट करने के लिए हम सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये रेड वाला पोर्ट हटाना है, ब्लैक पोर्ट वहीं पे रहेगा। एसी वोल्टेज में अभी हम देखते हैं कि 250 वोल्टेज तक का ऑप्शन हमारे पास में है, तो हम इसे 250 वाले में सेलेक्ट करेंगे। और 250 वोल्टेज में जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो हम इसको ये देखते हैं कि ये क्या बताता है। तो अभी लगभग ये लास्ट में क्योंकि 250 ही रहता है तो 245-47 तक ये वोल्टेज बता रहा है। तो अभी इसको हम ये देखेंगे कि कहाँ तक ये 245 हमें कैसे पता लगेगा। तो उसमें हमें ऐसे पता लगेगा कि जैसे यहाँ पे हम इसको थोड़ा नज़दीक ला के देखेंगे तो इसमें हम फोकस जब दे के देखते हैं तो 250 हमें कहाँ पे लिखा दिखाई देगा, यहाँ पे। तो ये वाला 250 ही देखेंगे हम, 250, 200, 150। तो इस रो में हम इसकी काउंटिंग जब हम 250 पे सेलेक्ट करके रखेंगे तो इसको यहाँ पे रखेंगे। तो इस तरह से हम इसको चेक करेंगे। तो ये एसी वोल्टेज हमारी चेक हो, इसी तरह से हम डीसी वोल्टेज को सेलेक्ट करके इससे चेक कर सकते हैं और ये बताएगा। तो डीसी वोल्टेज में भी वहीं पे सेम रहेगा, तो वो जो 250 अभी हमने यहाँ पे देखा था, अगर 250 पे हम सेलेक्ट करते हैं तो यहीं पे देखेंगे। अगर हम यहाँ पे इसके 50 वोल्टेज तक देखते हैं तो उसके नीचे हम 50 पे देखेंगे, जो यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे 50 जो इसके नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे देखेंगे। और उसके भी कम देखते हैं तो ये 10 लिखा हुआ तो 10 देखेंगे। तो इसी तरह से हम इसको चेक करेंगे। तो अब दूसरे मल्टीमीटर को ले लेते हैं हम। अब ये वाला मल्टीमीटर हम ले लेते हैं, इसके फंक्शन हम देखते हैं इसमें भी क्या होता है। इसमें भी सेम दिखाई देता है कि ये देखो ये वोल्टेज है, वोल्टेज का जहाँ पे ये सिंबल रहता है ये वी लिखा रहेगा और ये एसी का सिंबल रहेगा यहाँ पे। तो ये एसी के वोल्टेज है, ये 600 वोल्टेज तक यहाँ पे नाप देगा, यहाँ पे 200, ठीक है। या हम कम वोल्टेज है तो 200 पे सेलेक्ट कर लेंगे, ज़्यादा है तो 600 पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे एसी के वोल्टेज हो गए, ठीक इसके लेफ्ट में ये यहाँ पे ये डीसी के वोल्टेज हो गए, ये 600 वोल्टेज तक हो गया, 200 हो गया, 20 हो गया। तो ये वी के आगे वोल्ट, वी हो गया वोल्ट, और ये यहाँ पे सीधी लाइन और डॉट डॉट जो रहेंगे वो डीसी वोल्टेज हैं, और जो ये अप डाउन वाला सिंबल रहेगा तो ये एसी वोल्टेज हैं। तो लाइट में हम इसको यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे इसके ये डीसी वोल्टेज हो गए, ये एसी वोल्टेज हो गए ऊपर। तो अभी हम ये देखते हैं कि ये एम्पियर्स हो गए, यहाँ पे ये एम्पियर दिखाता है यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो जैसे हमने वहाँ पे कंटिन्यूटी करी तो उसकी यहाँ पे हम ये यहाँ पे दिखाई देगा। तो ऐसे ही इसका ये पोर्ट भी हम देख लेते हैं कि कॉमन पोर्ट इसका लिखा हुआ भी है यहाँ पे, कॉमन पोर्ट ये रहेगा यहाँ पे, और 10 एम्पियर तक का जो ये ऑप्शन है उसके लिए हम इसमें रेड को हम इसमें 10 एम्पियर में लगाएंगे, तब हमें इसका ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर वगैरह PNP NPN चेक करने के लिए होते हैं, तो इन पोर्ट में उसकी पिन डाल के देखा जाता है, उससे ये ट्रांजिस्टर चेक किए जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे ये डायोड चेक किए जाते हैं और रेजिस्टेंस चेक की जाती है, और कंटिन्यूटी यहाँ पे जहाँ पे बजर का निशान है कंटिन्यूटी यहाँ पे होती है। तो इस तरह से इसका फंक्शन ये हो गया। और इसमें ये होल्ड करने के लिए मान लो कोई सप्लाई हमने देख ली है यहाँ पे, कोई सप्लाई हमने ये ले ली है, और इसको हम चेक करने के लिए हमें ये इसका जो है ना रीडिंग, इसकी डिस्प्ले हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जैसे ये अभी इसने यहाँ पे हम वोल्टेज जैसे चेक करेंगे और इसकी डिस्प्ले हमें दिखाई ना दे, अभी देख लेते हैं इसकी वोल्टेज को। तो अभी जैसा ये वोल्टेज दिखा रहा है, और अगर हमें ये वोल्टेज पता नहीं लग रहा है, डिस्प्ले नहीं दिख रही, तो सिंपली हम इसको होल्ड कर देते हैं यहाँ पे, तो ये डिस्प्ले हमें दिखाई देगी। तो हम इसकी ये सुई भी इसमें से हटा देंगे तब भी ये रीडिंग हमको दिखाई दे जाती है, तो इसलिए ये होल्ड का रहता है बटन इसमें। तो ये होल्ड से हमें जहाँ पे हमें दिखाई नहीं देता है वहाँ पे हम लगा के सुई ऊपर मीटर को होल्ड करके बटन दबा के हम इसको रीडिंग को बाद में भी देख सकते हैं, तो इसलिए ये होल्ड का ऑप्शन रहता है। और इसमें कभी कभी ऐसा होता है रात के टाइम में अगर हम इसको नहीं देख पा रहे हैं तो उसमें ये लाइट का ऑप्शन रहता है यहाँ पे, ये लाइट इसमें जल जाती है ऐसे, तो ये लाइट के लिए बटन दिया जाता, ये येलो कलर का जो है ये लाइट के लिए दिया जाता है, तो इससे ये लाइट जल जाती है इसमें।
तो ये इसके फंक्शन रहते हैं। तो अब दूसरा मल्टीमीटर हम दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों अभी हम ये वाला क्लैंप मीटर इसको बोलते हैं, इस क्लैंप मीटर के बारे में आपको बता देते हैं। तो इसमें भी फंक्शन लगभग सेम ही रहते हैं। देखो इसमें ये यहाँ पे ऑफ रहता है, ये जो निशान है इस निशान को हम जहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वहीं पे वो हमें उस फंक्शन के बारे में दिखाएगा। जैसे हम यहाँ पे इसको ये 1000 यानी हज़ार पे चेक करते हैं, तो ये क्या है पहले हमें ये पता करना होगा। ये एसी के एम्पियर हैं, क्योंकि एसी का सिंबल यहाँ पर दिया गया है, तो एसी के एम्पियर हमें यहाँ पर चेक करने होते हैं इसे। तो 200 एम्पियर तक हम इस पर चेक करेंगे, 1000 एम्पियर तक हम इस पर चेक करेंगे। और एम्पियर चेक करने का कोई कितनी भी मोटी वायर हो, कितनी भी पतली वायर हो, तो इसको हमें क्लैंप मीटर में ऐसे इसके अंदर लेनी होती है, चलते हुए करंट में हमें इसको वायर को इसके अंदर लेनी होती है, तभी ये हमें एम्पियर बता पाता है। तो यहाँ तो ये हमें एम्पियर के बारे में हो गई बात। अब इसके आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर ये एसी वोल्टेज, एसी का सिंबल है तो वोल्टेज है, वी है तो वोल्टेज है, ये हमें ध्यान रखना है। ए है तो एम्पियर है, वी है तो वोल्टेज है, तो एसी का सिंबल है ये, ऐसे करते हुए एसी का सिंबल हो गया, तो ये यहाँ पे एसी का सिंबल है तो एसी ये वोल्टेज चेक करेगा। तो 750 वोल्टेज यहाँ पे लिखा हुआ, तो 750 वोल्टेज तक ये यहाँ पे चेक करेगा, इसके ऊपर नहीं करेगा। इसके नीचे हम चलेंगे तो यहाँ पे इसमें हम वोल्टेज चेक करने के लिए इसको सुई का ही हमें जो है ना इस्तेमाल करना होता है, इसमें आप वायर डाल के वोल्टेज नहीं चेक कर पाओगे, ये भी ध्यान रखना है। तो सुई से ही हमें इसकी वोल्टेज चेक करनी होती है। तो यहाँ पे डीसी वोल्टेज वी लिखा हुआ है और लाइन खींच के नीचे डॉट डॉट दी हुई है, तो इसका मतलब ये डीसी वोल्टेज है। तो डीसी वोल्टेज यहाँ पे चेक करेगा, ये निशान हम डीसी पे कर देंगे, तो यहाँ पे डीसी वोल्टेज चेक करेगा। और ज़्यादा है तो यहाँ पे इसमें कम का ऑप्शन नहीं है, सारे वोल्टेज इसी में चेक होंगे, क्योंकि किसी किसी में ये ऑप्शन ज़्यादा भी रहते हैं तो किसी में कम रहते हैं, तो इसमें एक ही ऑप्शन है, तो ये यहाँ पे चेक करेगा। तो हम इसको आपको एसी के वोल्टेज आपको चेक करके दिखा देते हैं इसमें। और यहाँ पे पहले ये देख लो कि ये यहाँ पे जहाँ बजर है यहाँ पे ये कंटिन्यूटी चेक करेगा, किसी वायर का को ब्रेक देखना है तो वो यहाँ पर देखेगा। तो ये सब रेजिस्टेंस के ऑप्शन हैं, रेजिस्टेंस चेक करने के। और इसमें ये यहाँ पे ये दोबारा वही रिपीट हो जाता है, जो इस तरफ है वही इस तरफ है। तो ये एम्पियर हो गए, एसी के एम्पियर हो गए, ये एसी की वोल्टेज हो गई, ये डीसी की वोल्टेज हो गई, ये बजर हो गया यानी कंटिन्यूटी हो गई, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करने के हो गए। तो हम इससे भी आपको दिखा देते हैं कि वोल्टेज कैसे चेक करते हैं। जैसे एसी पे हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, तो अभी हम इसकी सुई इसमें डाल, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ 249-250 वोल्टेज हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो हम इसको होल्ड भी यहाँ से कर सकते हैं, सप्लाई को हम कभी भी सुई निकालने के बाद में भी हम अगर देखना चाहें तो ये हम सप्लाई हमें दिखती रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ से इसे होल्ड किया हुआ। जब भी हमें कोई और फंक्शन चेक करना हो, देखना हो, तो हमें इस होल्ड को यहाँ से हटाना होगा दोबारा प्रेस करके, नहीं तो हमें कहीं पर भी हम सेलेक्ट करेंगे तो ये होल्ड हमें दिखाई देता रहेगा और वो हमें डिस्टर्ब करेगा, तो ये हमें दिक्कत आती है इसमें। तो इसको हमें पहले होल्ड से हटा देना चाहिए, तो यहाँ जीरो कर देना चाहिए, तभी हमें दूसरी कोई चीज़ चेक करनी चाहिए। तो अभी इसको हम रख देते हैं, दूसरे मीटर के बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों अभी हम इस मीटर के बारे में आपको बताते हैं, एक तरीके का क्लैंप मीटर ये भी होता है। तो इसमें भी हमें यहाँ पे इसके एम्पियर चेक करने होते हैं, ऐसे वायर डाल के इसको हम एम्पियर चेक करते हैं। लेकिन इसमें दोनों तरीके के एम्पियर चेक होते हैं, इसमें सिंबल दिया गया है, इसको हम सेलेक्ट जहाँ पर करेंगे ये यहाँ पर, क्योंकि डीसी का सिंबल है तो ये डीसी का सिंबल है यहाँ पे, एक लाइन है डॉट 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 है और ए है तो एम्पियर चेक करेंगे। तो एम्पियर हम यहाँ पे डीसी के भी चेक कर सकते हैं और एम्पियर हम यहाँ पे एसी के भी चेक कर सकते हैं। तो ये सिंबल एसी के एम्पियर का है, ये डीसी के एम्पियर का है, तो यहाँ पे हम डीसी के एम्पियर चेक करेंगे, यहाँ पे एसी के एम्पियर चेक करेंगे। तो इसमें दोनों तरीके के ऑप्शन है एसी डीसी के। और ये यहाँ पर हमारा बजर मिल जाएगा जहाँ पर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं और रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद में हमें ऑप्शन मिल जाता है बजर, हम एक बार इसका आपको दिखा देते हैं चेक करके, तो इसका बजर किस तरह से काम करता है, कंटिन्यूटी हम इसके कैसे चेक कर, ये इसकी सुई हो गई, हम इसको जब चेक करेंगे यहाँ पे तो ये इस तरीके का दिखाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ पे इसका बजर की आवाज़ अभी नहीं आ रही है, लेकिन ये यहाँ पर कंटिन्यूटी इसकी चेक होती है। तो ये यहाँ पे 245 वोल्टेज दिखा रहा है, एसी भी हमने सेलेक्ट किया है इसको, और इसको सप्लाई को हम जब होल्ड करेंगे तो ये सप्लाई यहाँ पे होल्ड हो जाएगी और इसके बाद में भी ये यहाँ पे हमें दिख सकती है। तो इस तरह से यहाँ पे इसके वोल्टेज के हो गए एसी के। तो एसी वोल्टेज हमने चेक कर ली है, डीसी वोल्टेज का ऑप्शन हमारे पास में अभी नहीं है।
तो अभी हम इसको ऑफ कर देते हैं। तो अभी हम दूसरा आपको दिखा देते हैं। एक तरीके का ये हो गया, ये ज़्यादा वोल्टेज के लिए हैं, फंक्शन सबके सेम रहते हैं, क्लैंप मीटर यहीं से चेक होगा आपका, और जो है ना इसमें भी फिर आपका ये एम्पियर हो गए, एसी के एम्पियर हो गए, यहाँ पे यहाँ तक एसी के एम्पियर हो गए, तो इसमें सिर्फ ये एसी के एम्पियर दिखाएगा, यहाँ पे ये वोल्टेज दिखाएगा, ये लाल वाली जो है ना एसी की वोल्टेज है, ये वाइट वाली डीसी की वोल्टेज है, लेकिन व्हाइट और रेड पे नहीं जाना चाहिए, हमें सिंबल देखना चाहिए। एसी का सिंबल यहाँ पे है तो ये एसी के वोल्टेज चेक करेगा, यहाँ पे डीसी का सिंबल है तो डीसी के वोल्टेज चेक करेगा, यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी रहेगी, और डायोड वगैरह चेक करेंगे, रेजिस्टेंस चेक करेंगे हम यहाँ पे इस पोर्ट पे। तो मोस्टली हमें एसी के एम्पियर, डीसी के एम्पियर, एसी की वोल्टेज, डीसी की वोल्टेज, यही सब चेक करनी होती है, कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, तो ये सभी मल्टीमीटरों में फंक्शन रहता है, होल्ड करने का सब में रहता है। तो इस तरह से हमने आपको सभी तरह के लगभग जितने हमसे दिखाए गए हैं उतने तरह के मीटर हमने आपको दिखाए हैं, तो उम्मीद है कि आपकी समझ में ज़रूर आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, कम से कम हमारी मेहनत के लिए ही, हमें इतनी भी वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, सामान जुटाना पड़ता है, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और अगर हमारी वीडियो सच में पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है कि हाँ हम और वीडियो बनाएँ और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करें। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।